जो फर्स्ट डिवीजन में भी आने वाले हैं और गुप्त के बीच में फर्स्ट नंबर भी ले सकते हैं, वो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। और मन के आधार पर सुख दुख की महसूसता बाकी इंद्रियों को होती है, तो हृदयों में जो अमन के बाद सुख की महसूसता कैसे होगी? ये आपसे किसने कहा कि सचिव में देवताएं अमन होंगे? बाबा तो अभी अमन होने के लिए कहते ना, अमन सिर्फ एक है। कौन है? शिव अमन है। बाबा बनना तो है बच्चों को। क्या बनना है? अमन बनना। संगम युग में बनना है ना। संगम युग में अमन बनना है। अमन का मतलब बिंदु बनना है। कोई संकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, निसंकल्प स्टेज है तो क्या कहेंगे? अमन। और देवताएं सुख भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? सुख भोगे बगैर नीचे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? सुख भोगेंगे तो नीचे गिरेंगे। और सुख जो है वो इंद्रियों से ही भोगा जा सकता है कि बिना इंद्रियों के भोगा जा सकता है? इंद्रियों से ही भोगा जाता है। तेज इंद्रियों से सुख भोगेंगे वहां वो भ्रष्ट इंद्रिय काम नहीं करेगी, ऐसे नहीं कामना नहीं होगी, कामना तो होगी माने काम तो होगा लेकिन प्रैक्टिकल रूप में उसका नाम अनंग होगा। अनंग माने वो काम विकार की मार करने वाला प्रैक्टिकल अंग वहां काम नहीं करेगा। ऐसी नहीं कि शेष इंद्रियों के सुख भोग की देवताओं में इच्छा नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण को बड़े प्यार से एक दूसरे को देखते हुए क्यों दिखाया गया? दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? और जो प्रकाश के बलय के बीच में ज्ञान की रोशनी की दुनिया के बीच में खड़े हुए लक्ष्मी नारायण है ऊपर उनकी स्टेज में, वो अमन की स्टेज का पार्ट बजाय रहे हैं या मन से सुख लेने का पार्ट बजाय रहे हैं? अमन स्टेज है। और कर्ज लेना और देना मर जाए करना। हाँ जी। और एक बात से विश्लेषण करवाना बताया कि कर्ज लेना और इंटरेस्ट नहीं लेना है। कर्ज देते हैं दोनों, कर्ज देते हैं तो इंटरेस्ट नहीं लेते। इस्लाम धर्म वाले, इस्लाम धर्म वाले कर्ज देते हैं तो ब्याज नहीं लेते, ब्याज हराम माना जाता है। ब्याज नहीं लेते? शंकर में शंकर लोग की बात उन्होंने ही कैसे उठाई? इस्लामियों ने। हाँ हाँ, यहाँ कर्ज कैसे लिया जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में? जैसे आखिरी नारायण है तो उसमें इस्लाम धर्म का वो अवगुण होता है या नहीं होता है? कौन सा है? कर्ज लेने का अवगुण होता है लेकिन इंटरेस्ट चुकाएगा या नहीं चुकाएगा? हैं? नहीं, उसके पास तो कुछ है ही नहीं,
तो बदले में जो कर्ज लिया है उसके बदले में राज्य दे देता है। ये कैसे कहेंगे कि इंटरेस्ट दिया? तो जैसे आर्य समाजियों में हर धर्म के गुण अवगुण समाये हुए, वो तो लास्ट धर्म है ना, भगवान बाप से प्राप्ति करने वाला। ऐसे ही जो विधर्मियों के बीच में, विदेशियों के बीच में अव्वल नंबर का धर्म है इस्लाम धर्म, वो कर्ज देते हैं या लेते हैं? है? देते तो होंगे, कर्जा देते तो है लेकिन लेते नहीं है। कर्जा लेते भी है लेकिन कर्जा है ही नहीं देने के लिए, इतना पुरुषार्थ है उनके पास जो दूसरों को दें है नहीं है, तो देंगे कहाँ से? इसलिए उनके धर्म में ये परंपरा चलती है क्या कि इंटरेस्ट लेते ही नहीं। और लेते नहीं तो वापस करते हैं जी, कर्जा लेते हो लेकिन देते नहीं वापस। देते है ना, देना तो पड़ेगा ना, ये तो ईश्वरीय नियम है, जो लेगा ये देना भी पड़ेगा। हम लोग जाते हैं ना, कोर्ट करने को जाते हैं हम लोग, किए छाया माता करने सुनना बोले भोली बोलते हैं, छाया माता का सुनना नहीं बोले वो भोली बोले, वो बोलते बोली 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 बोलते, सब छाया माता नहीं तो फैला दिया बोलते, बोली माने बुद्धू है, सब सेंटर में फैला दिया बोल रहे थे है। इसलिए तो बोला हुआ है कि आगे चल के ऐसा समय आएगा जो ये इस्लामी और ये मुसलमान भीख मांगेंगे क्या? इनको भीख मांगनी पड़ेगी और आप देने वाले होंगे। और बाबा जो नारायण को दिखाते सेठ सैया पर देखा हुआ और लक्ष्मी जी पाव दबा है, ये क्यों बताया? शंकर को दिखाते हैं कि उनकी इंद्रियों में सांप लिपटे हुए हैं, और विष्णु को दिखाते हैं सांप, दिखाते तो है ना लेकिन विष्णु से लिपटे हुए नहीं है, वो उनके ऊपर आराम से लेटा हुआ है। अगर वो सांप कुछ एक्टिविटी में भी आते हैं तो शंकर के गले वाला सांप तो फू फूकार तो करता ही है, लेकिन जो विष्णु के सांप है वो उसको फुसकारते नहीं, फुसकार नहीं सकते, वो उसके रक्षक बन जाते हैं। क्या? रक्षा करने वाले बन जाते। और शेषनाग इसीलिए कहा जाता है कि शेषनाग के फण के ऊपर पृथ्वी रहती है, पृथ्वी का भार शेषनाग उठाता है,
और कोई नहीं उठा सकता। या तो संगम में जब सागर मंथन हो, देवताओं और आसुरों के बीच में, तो जो संपन्न पायसधारी युगल है वो कछुआ बन करके पृथ्वी के एक अंश का बोझ उठाता है। कौन सा अंश है? मंदराचल पर्वत। कैसा पर्वत? मंदरहा। पहाड़ तो है, पहाड़ पर बर्फ तो जाम होती है, ठंडी तो बहुत है, बहुत पुरुषार्थ की ठंडी है, बर्फ जाम हो जाती है, लेकिन उसकी यादगार मन बुद्धि कहती है मंद है। कौन सा पायसधारी है? जिसको हिमालय कहा जाता है, पार्वती का बाप है ब्रह्मा। बर्फ की तरह बुद्धि जाम है, इतना ज्ञान मुख से सुनाया गया, इतना ज्ञान सुनने वाले ने सबसे पहले सुना। किसे सुना? ब्रह्मन। लेकिन बुद्धि जाम है या चलती है? बुद्धि जाम है। उसको मंदराचल पर्वत भी कह दिया है और हिमालय पर्वत भी कह दिया है, लेकिन वो पृथ्वी का एक हिस्सा मात्र है। क्या सारी पृथ्वी का भार उठाने वाला नहीं है? सारी पृथ्वी का भार कौन उठाता है? जिसके क्षण पर पृथ्वी रखी हुई चेतना। इच्छाधारी इच्छाधारी नाग जो भी नाग है, बिना इच्छा के नाग बनते हैं क्या? सांप जो होते हैं, काम वासना तो सब में होती है, अति की काम वासना वाले नाग कहे जाते हैं। कामना कहो, इच्छा कहो, बात एक ही है ना, कि अलग अलग बात है, एक ही बात है। तो जो भी नाग है, जो भी सर्प है, जो भी विषधर है, उन विषधरों में सबसे ज्यादा विष को कौन धारण करता है? अरे अरे सेंटर भी बन गया नीलंगा तो भी भूल गया कौन है? शंकर है। वो इच्छाधारी नागों में अव्वल नंबर नाग है और छोटी छोटी इच्छाएं करते हैं। क्या हमें इस्लाम धर्म का जो धर्म खंड है या उन लोगों का जो ग्रुप है उसके बीच में राजा ही मिल जाए? बौद्धी धर्म वालों के बीच में हमें राजा ही मिल जाए, सिख धर्म वालों के बीच में राजा ही मिल जाए, लेकिन सारी दुनिया के ऊपर हमारी राजाई हो जाए, वो सिर्फ एक ही नाग है इच्छाधारी कि और कोई नाग है? एक ही नाग है, है?
जो आत्मा रूपी मणि होगी सदैव धारण करने वाली, दूसरों को प्रकाश देने वाली, स्वयं भी प्रकाशित होने वाली, तो वो ही तो प्रकाश फैलाएगा मेरे में। और शेष नाग कौन है? अरे उसे शेष नाग कह दो, उसको सागर मंथन का वासुकी नाग कह दो, वो एक ही बात है, वसु का पुत्र वासुकी। वसु कहते हैं धन संपत्ति का देने वाला। कौन है धन संपत्ति का देने वाला? है कौन सी आत्मा है? क्यों बाप? वो वसु है। क्या और कोई आत्मा है धन संपत्ति देने वाली? है एक ही है शिव बाप। और उसका बड़े से बड़ा पुत्र कौन है? उसका नाम वासुकी है। कौन है? एक ही पुत्र है। भक्ति मार्ग में कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा बड़ा पुत्र है क्या? देव देव महादेव कहते हैं, दो बार देव शब्द फिर महादेव, एक ब्रह्मा देव, एक विष्णु देव, और उससे भी ऊपर महादेव। क्या कामदेव विष्णु का गायन किसके ऊपर लागू होना चाहिए? हाँ? कामदेव विष्णु किया कमाल है, कमाल की बात है। आप अपने अंदर के कामदेव को भस्म करेंगे, दूसरों के अंदर को भस्म करेंगे? गायन है उसकी बात। हाँ, जो गायन है सही बता रहे। तो आप जो भस्म करेंगे तो अपने अंदर का, अपने ऐसे ही शंकर भी किसके अंदर का काम भस्म करता है? अपने अंदर का करता है कि औरों के अंदर करता है? कोई काम नहीं करेगा वो भस्म का, जो करेगा सो पाएगा। या शिव बाबा करता है, वो करता है कुछ? शिव बाबा के तो होने वाले, रास्ता बताता है, ये भक्तों की बात है। शिव बाबा सब कुछ करता है। मुसलमान लोग कहते हैं उसने जमीन बनाई, उसने आसमान बनाया, उसने सूरज बनाया, चांद बनाया, जो कुछ करता है खुदा करता है। तो अब ऐसे ही कहो ना, उससे तो ज्ञान के द्वारा कराने वाला है, और वो भी जो जितना ज्ञान धारण करेगा उतना प्राप्त करेगा, धारण नहीं करेगा तो प्राप्ति भी नहीं करेगा। हाँ, जो आर्थिक पाप होता है, जीवन जो आर्थिक पाप होता है धरती पर, तो उसका कारण जन्म मरण में आने वाली आत्माएं होती है या परम धाम से आने वाली आत्मा? जो पाप होता है, हाँ, पाप जो है वो बनता का ऐसे है। किस बात से पाप बनता है और किस बात से पुण्य बनता है? है पाप बनता है दुख देने से, और पुण्य बनता है सुख देने से। और देवताएं सुख ही सुख देते हैं कि दुख भी देते हैं? सुखी ही सुख देते हैं। और जो आत्माएं द्वैतवादी बन जाती हैं, देवताओं को तो अद्वैत कहा जाता है। क्यों क्यों अद्वैत कहा जाता है? क्योंकि उन देवताओं ने अपनी अंतिम स्टेज में, जो पुरुषार्थ की उनकी अंतिम स्टेज हुई है, उस अंतिम स्टेज में
उन्होंने एक की बात को माना है, दूसरों की बात को नहीं माना है, इसलिए वो अद्वैत कहे जाते हैं। और द्वापर युग से क्या होता है, द्वैत पैदा हो जाता है। जो देवात्माएं हैं वो भी द्वैतवादियों के चक्कर में फंस जाती हैं, दो दो की बातें मानने लग पड़ती है, विचारी बन जाती है। इसलिए अगर दो की बातें मानेंगे, अनेकों को फॉलो करेंगे तो झूठ को फॉलो करने वाले बनेंगे या सत्य को फॉलो करने वाले बनेंगे? झूठ अनेक होता है और सत्य एक होता है। अभी हम ब्राह्मण बच्चों ने नंबरवार सत्य को पहचाना है, इसलिए हम अद्वैत देवता बनते हैं। और द्वैतवादी युग और द्वैतवादी धर्म कब से बनते हैं? द्वापर से। तो दुख पैदा होगा, द्वैत से दुख पैदा होगा या सुख पैदा होगा? है सुख पैदा होता है। हाँ तो बोलो, अंत गते जो गते शूटिंग पीरियड से क्या मेल है? अंत में मते माने बुद्धि, अंत में जो बुद्धि बनेगी वो लंबे समय के पुरुषार्थ के आधार पर बुद्धि बनेगी या कभी कभी जो पुरुषार्थ किया है उसके आधार पर बुद्धि बनेगी? लंबे समय तक जो पुरुषार्थ हमने ज्यादा किया होगा वैसी ही हमारी बुद्धि बन जाएगी। इसलिए गायन है कि मरने के समय जैसी बुद्धि होती है वैसा जन्म मिलता है। द्वैतवादी युग में, द्वापर कलयुग में तब की बुद्धि द्वैतवादी होती है या एक को फॉलो करने वाली होती है? द्वैतवादी बुद्धि होती है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। पुरुष सारे जीवन काम विकार के संकल्प याद करता है और काम विकार का जो आधार बनाता है वो स्त्री चोले को बनाता है, काम विकार की पूर्ति करने के लिए सारा जीवन वही संकल्प करेगा तो अंत में क्या याद आवेगा? स्त्री चोला याद आ जाएगा। ऐसी बुद्धि बन गई, कौड़ी याद आवेगी तो अगला जीवन कैसा बनेगा? कौड़ी समान जीवन बनेगा। स्त्री चोला ही लेना पड़े देवान ज्यादा होने के कारण, ज्ञान में ही बुद्धि उतनी नहीं बन पाती। और जीके में जो योग सिखाते हैं, जीके में जीके में योग सिखाते हैं, महाराज उसको गलत बताया क्योंकि पहले दृष्टि देती है, ऐसा योग करने के बाद भी पवित्रता में विजय माला आगे जाती है और रुद्र माला पीछे रह जाती है। आगे एडवांस ज्ञान लेने के बाद आगे जाएगी, बाप की पहचान लेने के बाद या आगे जाएगी या बिना पहचान के आगे जाएगी?
एहसान के बाद रात में फिर बात खत्म हो गई। ब्राह्मण जो पुरुषार्थ करते हैं अभी हाँ ये शक्ति जो चीन होती है संगम को भी पुरुषार्थ करते हैं। ब्राह्मण जो पुरुषार्थ करते हैं जो पुरुष माने आत्मा के अर्थ करेंगे उनकी शक्ति क्यों छीन होगी? तो गलत बात झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे कहो ना संगम युग में अधूरा पुरुषार्थ करते हैं तो शक्ति छीन होती है। अरे पुरुष अर्थ पूरा नहीं किया माना आधा पुरुष आत्मा के अर्थ किया और आधा आधा देह के अर्थ कर लिया। जो कर्मेंद्रियों से कर्म किया वो आधा तो आत्मा के लिए किया और आधा देह की प्राप्ति देह के सुख के लिए कर लिया। तो देह की सुख के लिए जो कर लेंगे उसमें क्षीणता आएगी पतन होगा या शक्ति का उत्थान होगा पता नहीं होगा। बड़ा ड्रामा में दुखी ही दुख ज्यादा भोगेंगे दुख कम भोगे ऐसी बहुत सी आत्माएं होती है जो द्वापर कलयुग में भी बहुत सुखी रहती है। खासकर तुम सन्मुख बैठने वाले सुनने वाले बच्चों के लिए बोला तुम्हारे लिए पौना हिस्सा सुख और धर्म वालों के लिए आधा सुख आधा दुख होता है। तो कारण क्या हुआ? एक होता है एड म क्या एड तो करो लेकिन एडम जो बाप है उसमें माँ को भी ऐड करो। सन्यासी बन करके नहीं रहे क्या हुए है? एडम ईव जो थे वो सन्यासी थे या प्रवृत्ति मार्ग वाले थे? वो हुआ एडम और फिर मुसलमानों में दिखाते हैं एडम के सामने शर्त भी रख दी खुदा ने। क्या शर्त रखी है? ये जो बाड़ी है जिस स्वर्ग की बाड़ी में तुमको सुख मिलता है इसका ये फल नहीं खाना गंदुम फल। मुसलमान लोग गेहूं को गंदुम कहते हैं उसका शेप कैसा होता है जैसा स्त्री का शेप होता है ऐसा उस गंदुम का शेप होता है। अगर तुमने गंदुम को खाया यूज किया तो स्वर्ग से नरक में गिर जाएंगे। तो वो एडम पड़ता है नाम एड होती है माँ और वो है ईव। कोई किसी को जोर से झापट मार दे या जोर से ठोकर खा के नीचे गिरे तो मुंह से क्या आवाज निकलती है? ईव। और वह क्या वह माने पर या स्व ईद माने पर ये दो ही चीजें हैं दुनिया में एक पुरुष आत्मा
और एक प्रकृति, प्रकृति को कहा है ईव, जो दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश करेगी। क्या यज्ञ के आदि में भी बड़े से बड़ा विनाश हुआ था? तब अंदर से आवाज निकलती है ई, अभी भी दुनिया में आवाज फैलेगी। जब महाकाली चारों तरफ दुनिया में हो हल्ला मचाएगी, महाकाली माने प्रकृति, प्रकृति के पांच तत्व जब विकराल रूप धारण करेंगे, और बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो भ्रष्ट बुद्धियों के मुंह से निकलेगा ए होशियारों के रहो, आई बीबी भागो। क्या ए आई बीबी का मतलब क्या है? ए माने आध्यात्मिक, आई, आई से बनता है ईश्वरी, बीबी माने विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। इसकी संपन्नता प्रत्यक्षता तब होगी जब ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में भी और एडवांस में भी महाकाली पार्ट बजाएगी, और मां कह के चिल्ला लेंगे, भगत गढ़ मचिलाएगी, अनिश्चय बुद्धि मरंती होने वालों की। तीव्र पुरुषार्थी, एक पुरुषार्थी ऐसा होता है जो कहता तो है अपने को पुरुषार्थी, लेकिन अज्ञान की नींद में खूब सोता रहता है। सन्यासी कैसे पुरुषार्थी है? अज्ञान की नींद में खूब सोने वाले। दूसरे ऐसे भी पुरुषार्थी है, उनसे ऊंची कोटि के, सोते तो नहीं रहते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, कंट्रोल नहीं कर पाते। ज्ञान की कमी और पहचान की कमी के कारण इसे ऐसे पुरुषार्थी है, बैठे रहने वालों को तो जान लिया ना, है रजाई छोड़ते ही नहीं, बैठे रहते, थोड़ी थोड़ी नींद और बेलापन आता रहे तो कोई हर्जा नहीं। इसे ऐसे हैं जो बिस्तर त्याग देते हैं, बैठने की बजाय उठ के खड़े हो जाते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं। तो सोने वाले, बैठने वाले, उठ के खड़े हो जाने वाले, और तीसरे ऐसे हैं सिर्फ उठ के खड़े ही नहीं हो जाते। बाबा ने कहा छत पे चले जाओ, चलते फिरते रहो, बाबा को याद करते रहो। नींद आती है ना, तो नींद को उड़ाने का तरीका क्या है? टेरेस पे चले जाओ और घूमते फिरते बाबा को याद करो। तो चलते पुरुषार्थी उसके भी ऊंचे हैं, दौड़ते पुरुषार्थी धीरे धीरे नहीं चलते हैं, क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं, और उससे भी उनके
उड़ते पुरुषार्थी उड़ान भरते हैं। आज क्या बताया, माया तो आवे, उसका काम है आना, लेकिन आपका काम क्या है, माया विघ्न के रूप में हमारे सामने ना आवे, आवे और हम और ऊंची स्टेज उड़ जाए। तो ज्यादा ऊंचाई पर कोई विघ्न बाधाएं आती है क्या? नहीं आती। पहाड़ से टकराएंगे क्या? नहीं टकराएंगे। तो उड़ते पुरुषार्थी और उससे भी ऊंचे हाई जंप लगाने वाले। कैसा पुरुषार्थी बनना है? जब दौड़ होती है ना, तो जो दौड़ दौड़ने वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं, दौड़ दौड़ने वालों के साथ दौड़ते रहते हैं। प्रैक्टिस तो उनकी बहुत अच्छी होती है, अपने ऊपर विश्वास भी पक्का होता है, इसलिए दूसरों के दिखावे में धीरे धीरे दौड़ते और दूसरे आगे बढ़ जाते। वो क्या समझते हैं, हम जीत जाएंगे। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो अंत में छलांग लगाते हैं और आगे नंबर ले लेते। जैसे कि ब्रह्मा बाप, बाप दादा बच्चों को बोलते हैं, बच्चे आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। बच्चों को आगे बढ़ाते हैं या पीछे कर देते हैं? आगे बढ़ो। जानते हैं कि बच्चे तो बच्चे हैं, दौड़ेंगे भी तो हमारी तो लंबी लंबी टांगे हैं, हम तो आगे निकल ही जाएंगे। उनकी तो जिन्नात की प्रैक्टिस है। नाम क्या रखा? जिन्न। जैनियों में जो भगवान होते हैं उनको क्या कहते हैं? है? जिन्न। जिन भगवान, जिन्न का मतलब भी होता है जित ना, जिनको कोई जीत ही नहीं सकता। तो वो पुरुषार्थ है भगवान भगवती का, उनका काम है बच्चों को आगे बढ़ाना। बच्चे समझते हैं तो बुढ़े हो गए, अब हम विष्णु बन के बैठ जाए तो ये नहीं विष्णु विष्णु को आवाहन कर सकेंगे क्या? हम विष्णु पार्टी बनाए लेते हैं और अभी माला बना के दिखाते हैं, उनका अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट निकलता है तो क्या होता है, है? असलियत सामने आ जाती है। और हंड्रेड परसेंट भक्ति हंड्रेड परसेंट ज्ञानी तू आत्मा की होगी या सब की होगी? है? जो हंड्रेड परसेंट ज्ञानी आत्मा होगी वो हंड्रेड परसेंट भक्ति करेगी। ज्यादा भक्ति करेगी तो ज्यादा ज्ञान उठाएगी, कम भक्ति करेगी तो कम ज्ञान उठाएगी। आप व्यभिचारी भक्ति ज्यादा करेगी तो ज्ञान भी कैसा उठाएगी? आप व्यभिचारी ज्ञान उठाएगी,
और विविचारी भक्ति करेगी तो ज्ञान भी कैसा उठा देगी? विविचारी ज्ञान उठा देगी। अपने प्रश्न को सुधार लो। क्या 100% भक्ति सबकी नहीं होती है? हाँ पूछो। अभी बाबा ने कहा है कि भक्ति रहेगी तो अज्ञान, भक्ति का फल अज्ञान होता है। हाँ जी। तो फिर जो ज्ञान कैसे, ज्ञान का उन्हें कैसे रहेगा उसने अगर भक्ति नहीं किया है? हाँ। क्योंकि एग्जांपल है कि अगर भक्ति किया है तो ही ज्ञान मिलता है। ठीक है। भक्ति मार्ग का संस्कार नहीं है तो ज्ञान एकदम बुद्धि में आएगा नहीं। पहले ज्ञान आता है या पहले भक्ति आती है? पहले भक्ति आती है। तो जो पहले आती है और ज्ञान बाद में आता है, उसके बाद ज्ञानदाता आता है। तो भक्ति जो पहले आती है वो किसके सामने पहले आवेगी? नंबर वाली तो आवेगी ना। तो जिसके सामने भक्ति आती जाएगी अपनी संपन्न स्टेज में, उस आत्मा के अनुसार कोई ज्ञान में आवेगा, नहीं तो ज्ञान में नहीं आवेगा। अभी जो भक्ति कर रहे हैं वो हमारे से पीछे हैं आगे पीछे? उनकी भक्ति पूरी करवाने के लिए क्या करना चाहिए? वो ज्ञान में आ जाए तो ज्ञान सुना कोई छूटे दे दो। बाबा तो कहते हैं कोई भक्ति करता है तो मना करना चाहिए? नहीं मना करो। भक्ति करने वाले को भक्ति करने दो। हमारा काम क्या है? भक्ति करने वालों की भक्ति को रोकना या उनको ज्ञान देना? ज्ञान देना, पहचान देना हमारा काम है। जब पूरा ज्ञान आ जाएगा तो भक्ति अपने आप जाएगी। हम किसी को भक्ति करने से मना क्यों करें? रोए क्यों अटकाएं? क्यों कहें कि तुम भक्ति छोड़ दो? लेकिन अपने को मालूम है कि भक्ति का फल अज्ञान है, तो अपने को मालूम है कि वो अज्ञान से हमें जा रहा है, तो फिर ज्ञान कैसे आएगा? अगर हम ज्ञान सुनाएंगे तो फिर भी वो एक्सेप्ट करना है? आप ज्ञान सुनाएंगे और वो ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करता है? अगर ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करता है, हम ज्ञान सुनाते हैं, इसका मतलब है हमारे में प्योरिटी की पावर कम है। इसलिए दूसरे को दोष नहीं देना है। और ये जो सात चक्र कहे जाते हैं जो इंसान शरीर में, जैसे कुंडलिनी चक्र आता है, बुद्धि चक्र और जीवन चक्र जैसे आते हैं, इनका और कर्म इंद्रियों से कैसे देखते हैं? और ये योग और योगा में कैसे सपोर्ट करते हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं जो आठ चक्र शरीर में है, उन चक्रों का जो आधार मूर्त चक्र है उसमें कुंडलिनी सोई हुई है। कुंडलिनी शक्ति कुंडली मार के बैठी हुई है। अगर वो जागृत हो जाए और ऊपर के सातों चक्रों को भेदते हुए सबसे ऊपर के सहस्त्रासार में पहुंच जाए तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही है ना? लेकिन ऐसा कोई सिद्ध पुरुष देखा है? ऐसा होता ही नहीं। इस शरीर के अंदर जो आठ चक्र माने गए हैं वो विराट पुरुष है। स्वयं भगवान जो कहा जाता है, उस विराट पुरुष में वो अष्ट रतन कहो, अष्ट देव कहो,
सबकी अपनी अपनी दुनिया है। उस अपनी दुनिया में चक्कर काटते रहते हैं। वो कोई और नहीं है, आठ नारायण ही है, अष्टदेव ही है। और उनको पतन की ओर ले जाने वाले आठ धर्म पिताएं भी हैं। वो दुनिया वालों ने योग बताया है उसे, लेकिन वो योग झूठा है, प्रैक्टिकल नहीं है। सच्चा योग तो बाप अभी बताते हैं। जो अष्टदेव है, आठ नारायण है, उनकी तह तक पहुंचना है। सात को क्रॉस किया माने आठ सहस्रासार में पहुंच सकते हैं। उन सातों से ऊपर उठना है। जैसे रामायण में कह दिया, सात ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, ये सात विधर्मी नारायण है। ये इतने ऊंचे उठते हैं संसार में जो ताड़ के समान ऊंचाई हो जाती है। ज्यादा ऊंचा होना अच्छा है या ऊंचाई कम हो और छाया ज्यादा हो, फल ज्यादा हो, वो ज्यादा अच्छा है? कवियों की कल्पना ने ये बात भी लिख दी, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, खजूर कहो ताड़ कहो, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। छाया रूपी सुख नहीं मिलता उनके संरक्षण में, दुख ही दुख मिलता है उन धर्म पिताओं के संरक्षण में जाने वालों को। और फल आगे जाते दूर माने जब कलयुग का अंत आता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जाग जाते हैं, तब अंत में उन धर्म पिताओं को या उन धर्म पिताओं के धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनको पारो करने वाले लास्ट में वो सुख रूपी फल पाते हैं। इसलिए ये जो हम योग योग चिल्लाते हैं दुनिया में, वो योग नहीं है। तो और ही वियोग होता जाता है। वो भगवान को जानते ही नहीं तो योग कैसे लगावेंगे? बुद्धि योग जुटेगा कैसे? सारा बुद्धि योग तो शरीर में धरा रहेगा, क्योंकि बताते हैं शरीर के अंदर वो अष्ट चक्र है। तो देहभान बढ़ेगा या आत्मा अभिमानी बनेंगे? देहभान बढ़ता रहता है। काया क्या वो आपने आत्मा की शक्ति नहीं होती है? आत्मा को शक्ति रहती है। हाँ, योग में शक्ति कहते हैं
लेकिन वो योगी की शक्ति से क्या वो स्वर्ग बना देते हैं? नई दुनिया बना लेते हैं क्या? या परकाया प्रवेश करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं क्या? इच्छा मृत्यु पाते हैं क्या? वो तो कुछ भी नहीं है। जैसे दुनिया में चमत्कार दिखाने वाले ढेर सारे चमत्कार दिखाते हैं, अल्पकालिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही अल्पकालिक सिद्धियां हैं, इनमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। उनको वरदान देते होंगे, वो पहले संपन्न बन जाएंगे और बाप के सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे बाद में संपन्न बनेंगे। धर्मपिता की बात कर रहा हूँ। हाँ, धर्म पिताओं की बात है, वो धर्म पिताएं पहले संपन्न बनेंगे या बाप के सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे पहले संपन्न बनेंगे? बच्चे संपन्न बनेंगे। और भोले को याद करते थे, शिवजी को याद, शिवजी का आकार याद करने लगी, फिर बिंदु को याद कर लिया, तो मुझे लग रहा है कि ये मम्मा की इन्वेंशन है। पहले आपके गोले को याद करते थे, रोशनी के गोले को याद करते थे, आदि में बाद में मम्मा की बुद्धि चली। मुरली में नहीं आया क्या? मुरली में आया कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, आत्मा स्टार है, प्रकृति के बीच चमकता है जब सितारा। ये तो बाबा की मुरली में ज्ञान है, लेकिन मम्मा ने मंथन किया कि सांप का बाप सांप जैसा ही लंबा होगा, हाथी का बाप हाथी जैसा ही स्थूल मोटा ताजा होगा, कीटाणु का बाप कीटाणु जैसा ही सूक्ष्म होगा। ऐसे ही बुद्ध बिंदु आत्मा है, अति सूक्ष्म है, उसका बाप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु होगा। इसलिए ज्योति बिंदु बाप का रूप, आत्माओं के बाप का रूप है। ये बेसिक नॉलेज है, ये एडवांस नॉलेज है, ये बेसिक शक्ति में से है। कृष्ण को बनवाली की दस मिनट आ गए है, उसकी दस मिनट को कहा गया बनवाली बन माने क्या, और जंगल किसे कहा जाता है? ये कांटों का जंगल है, इस कांटों के जंगल में कौन सी आत्मा है जो दुखदाई कांटों के ऊपर भी वारी जाती है? उनको भी सुख ही देती है, उन कांटों जैसे दुखदाई आत्माओं को भी सुख देती है, दुख नहीं देती है। कौन है? है कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा, वही ब्रह्मा वाली आत्मा कभी संपन्न बनती है या नहीं बनती है? जब संपन्न बनती है तो कांटों के जंगल पर न्यौछावर होने का पाठ भी उसी का है। जो बाबा कहते हैं दधीची ने क्या किया, हड्डियों को भी स्वाहा कर दिया,
तो हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है। देयं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि, देह भले चली जाए तो भी काम पूरा करके छोड़ती। दस बीस पचास गलतियां तो रोज ही करते होंगे। दृष्टि के बारे में बात आई है, जो क्रिमिनल आई है वो सुबह से शाम तक बार बार भूल कराती है, और ये भूल ब्राह्मण जीवन में जन्म लेने के बाद बढ़ती जाती है या कम होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो अंत की ये स्टेज बताई कि जब बहुत तमोप्रधान बन जाएंगे, अति के क्रिमिनल आई बन जाएगी, तो नंबर वार आत्माएं है दे अभिमानी, ज्ञान में चलने वाले रावण जैसे ब्राह्मण, जो दृष्टि से भूल करते रहेंगे, क्रिमिनल आई से सुख देते रहेंगे। और प्राप्ति जैसा यहाँ करेंगे वैसी वहां प्राप्ति होगी। विचारी दृष्टि करेंगे बनाएंगे तो प्राप्ति क्या होगी? इतनी की बात है। हाँ जी, दीदी अगर आप आग बंद करते तो आपको त्रिमूर्ति का चित्र दिखाई देता है, ऐसा बार बार होता है, है? आपको त्रिमूर्ति का चित्र दिखाई देता है बार बार। आप बंद करते हैं तो बार आप खुली रखते हैं तो नहीं दिखाई देता, आग बंद करते हुए इमीडिएट चित्र आ जाता है, आग बंद करते हुए चित्र आ जाता है, तो आँख बंद करते ही आ जाता है। अरे आँख खुली रखे तो त्रिमूर्ति से प्रत्यक्ष नहीं होता है? होता है तो दो बातें कर दी। और खजूर इसलिए खाते हैं कि जो खजूर का पेड़ होता है ना, उसका फल तो बहुत मीठा होता है, पकने पर फल बहुत मीठा होता है, लेकिन बहुत दूर लगता है कि नजदीक लगता है? दूर लगता है। माना कौन सा धर्म खंड है जहाँ खजूर ज्यादा पैदा होते हैं? इस्लाम धर्म खंड ऐसा है। इस्लाम धर्म खंड में कौन कौन से देश है मुख्य? अरब, अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, अरब देश और अफ्रीका, क्या अरब देश और अफ्रीका,
तो वहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसके फल बहुत दूर लगते हैं, बहुत मीठे भी होते हैं, लेकिन तब तक इंतजार करने से क्या होगा कि जो ईश्वर की प्राप्ति है राजाई रुद्रमाला के मरके बन करके ही मिल सकती है, वो प्राप्ति नहीं होती है। निराधार राजाएं होते हैं या रानियां होती हैं? राजाएं निराधार होते हैं, वो राजाई की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इतने लास्ट में वो आत्माएं निकलती है कि लास्ट में निकलने के कारण फिर भी रानियां बनती हैं, आधीन होकर रह जाती हैं। तो फल बहुत दूर लगता है, जल्दी फल नहीं मिलता, मीठा तो बहुत होता है। क्या जन्म जन्मांतर सुखी रानियां रहती हैं या राजाएं जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं? रानियां बहुत सुखी रहती हैं। राजाएं जाकर के सेना के साथ लड़े मरे कटे खून बहाए ढेर के ढेर घाव लगे मल्लम पट्टी करें, और रानियों का ऐसा कोई दुख नहीं होता। कृष्ण जयंती आत्मा है, हाँ उनकी आयु एडजस्ट कैसे होगी? जो संगम युग के ऐसा आइनरी जन्म है जिसमें सुख ही सुख मिलेगा, उस उत्तम संगम युग में जो स्वर्णिम हिस्सा है जिसमें खुदा के बंदे सुखी ही सुख रहते हैं, दुख नहीं भोगते, वो हिस्सा सत्युग में उनका कम हो जाता है। क्यों? कि ऐसी आत्माओं को अपना शरीर संगम युग में नहीं होता है। बाकी 21 जन्म का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो 8 जन्म तो सत्युग में होते हैं उनके, तो त्रेता में उनके कितने जन्म होने चाहिए जो 21 जन्म का सुख पूरा हो जाए? 13 जन्म होने चाहिए। भक्ति मार्ग वाले सर्वव्यापी सर्वव्यापी चिल्लाते हैं या एक व्यापी भी बोलते हैं? वो सर्वव्यापी की ही बात ज्यादा चिल्लाते हैं ना। तो बेसिक वाले भक्ति मार्ग वाले हैं या ज्ञान मार्ग वाले? इसलिए वो सर्वव्यापी सर्वव्यापी चिल्लाते रहते हैं, उन्हें एक व्यापी का पता है ही नहीं। रात के सपने में ब्रह्मा और शिव बाबा आए थे उनके, उनको लगा कि बाबा मुझे मम्मा देख रही है सपने में, ऐसा क्यों हुआ?
स्वप्न और साक्षात्कार की लीला अंत में विशेष देखेंगे, तो आपसे शुरू हो रही है। और सपने देखने वाले और साक्षात्कार करने वाले भक्ति मार्ग की कोटि में है या ज्ञानी की आत्मा की कोटि में है? भक्ति मार्ग की कोटि में है। आप ऐसे सपने और देखना चाहते हैं? है? अच्छा लगता है नहीं लगता है? खुश तो बहुत हो रहे हैं। बारह ज्योतिर्लिंगों में भक्ति मार्ग में महाराष्ट्र में ज्यादा, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों दिखाई गए? जो नाम पड़े हैं वो काम के आधार पर पड़े हैं या ऐसे ही पड़ गए हैं? काम के आधार पर नाम पड़े हैं। सबसे ज्यादा भगवान जो है ज्ञान का सागर है ना? जो भगवान ज्ञान का सागर है वो भगवान का असली साकार रूप क्या है? हर हर बम बम। और दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो दुनिया के महान से महान कही जाने वाली आत्माएं माने धर्म पिताएं वो भी नहीं कर पाते हैं? और वो काम शंकर के द्वारा संपन्न किया हुआ गाया जाता है। ऐसे की मान्यता करने वाली आत्माएं हर हर पापों का हरण करने वाला और बम बम जितने ज्ञान के बम छोड़ता है उतना पापों का हरण होता है। इस बात को मानने वाले भगवान को पहचानने वाले महाराष्ट्र में ज्यादा होते हैं या दूसरे स्टेट में ज्यादा है? यहाँ की राजधानी का नाम क्या था? बॉम्बे। किस आधार पर नाम पड़ा? काम किया है हर हर बम बम। इसलिए उनकी जो यादगार है वो भी ज्यादा कहाँ बननी चाहिए? महाराष्ट्र में ही बननी चाहिए। महान काम किया है ना, तो जो सहयोगी आत्माएं होंगी वो भी महान कही जावेंगी या कमजोर कही जावेंगी? विष्णु पार्टी का असर हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। अच्छा संत हो गए ना ज्यादा। संत शब्द किस शब्द से बनता है? है? सत्य है तो संत बनता है। ईश्वर का ज्ञान ही तो सच्चा है और इस ईश्वर के सच्चे ज्ञान को बोलने वाले सुनने वाले देखने वाले कहाँ होने चाहिए? जो महान राष्ट्र का आ जाए वही होना चाहिए। कलकत्ते में तो देवियों की पूजा होती है, भगवान को तो उनकी उतनी मान्यता नहीं है।
है बारह पुत्र पुत्र का बारह है अर्जुन को कैसे बारह पुत्र अपना बारह मात्र कौन किया कौन कौन से नाम गिने जाते हैं बारह पुत्रों के बारह पुत्र भाई महाभारत में नाम आए हैं इनके किसी ने सुने हैं क्या नहीं पढ़ाई पढ़ के आ गया तो बोलता है तो वैसा तो बात तो पर दो बंद करो बागरम बगरम पूछने लगे